Uh, next question. Now it says the distance covered x in time t by a body having initial velocity v0 and having a constant acceleration a is given by x is equal to v0 t plus half a t square. दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम नाव अगर इस इक्वेशन को हम नोटिस करें तो ये अपनी न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है अब uh, विच uh, uh, से इस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नन ऑफ दिस नाव इसको अगर हम नोटिस करेंगे तो राइट right आंसर अपना होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बिकॉज uh, ये आपकी जो इक्वेशन जब हमने डिराइव की है इसको तो so ये जो अपनी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू एक्चुअली आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये अपनी तब एप्लीकेबल है जब हमने कहा है uh, कि आपका फोर्स कॉन्स्टेंट हो uh, या फिर आपका फोर्स डिवाइड बाय मार्स यानी कि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट हो सो so ये चीज़ें आपकी डिराइव हुई है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है अगर हम इसको डेफिनेशन uh, एक बार फिर क्विकली रिव्यू करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि मोशन को होने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए अंटिनलेस एक एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाई होएगा वो आपके मोशन में चेंज नहीं आएगा पार्टी के रेस्ट पे रेस्ट पे रहेगा जिस स्पीड पे चल रहा है उसी पे चलता रहेगा थर्ड uh, इक्वेशन कहता है कि फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन इन सिंगुलैरिटी दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर सो इट विल ऑलवेज बीन अ पेयर ऑफ ऑलवेज बी अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन सो ये इक्वेशन जो अपनी है ये आपकी डिराइव हुई है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सो so इंस आपका ऑप्शन टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वुड बी द राइट ऑप्शन